दोस्तों आप देख रहे हैं कैंपस कॉरिडोर्स। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हायर एजुकेशन कमीशन का मुतारफ करदा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसेट। आज हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर साथी से कि जिनका जर्नलिज्म का तजर्बा एजुकेशन जर्नलिज्म का तजर्बा 17 साल है और आजकल जंग ग्रुप के अखबार द न्यूज़ से वाबस्ता हैं, तो उनसे बात करते हैं। खालिद खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़े अहम मौजू पे प्रोग्राम रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से जो तलबा में इस हवाले से जो HEC के एंट्री टेस्ट के हवाले से जो बेचैनी है, हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी हद तक कम कर सकें और एक जो क्लियर पिक्चर है वो स्टूडेंट्स के सामने लेकर आएँ कि आखिर ये है क्या। तो खालिद खटक साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि HEC की तरफ से मुताबिक कराया जाने वाला ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट क्या है और क्या ये लाजमी है कि तमाम यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करें। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट का जो स्टडी लेवल है इस पे HEC ने एंट्री टेस्ट के इनेकाद का ऐलान किया है। इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किस्म का बड़ा मुहिम सा एक ऐड दिया लास्ट संडे को कौमी अखबारात में, फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट किया कि HEC जो है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और उसकी उन्होंने आखिरी तारीख जो दाखिला फॉर्म की थी इस एडमिशन टेस्ट के लिए वो 30 अगस्त 2021 रखी। इसी तरह उन्होंने कहा जो टेंटेटिव डेट है इस टेस्ट की वो 12 सितंबर 2021 है। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, मैं चूँकि ख़ुद एजुकेशन रिपोर्टर हूँ तो मैं बड़ा इस पर जैसे कहते हैं हैरानगी का मैंने इजहार किया कि ये HEC को अचानक क्या ख्याल आ गया और ये किस तरह ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट लाजिम हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ से मुझे पता था, मैंने पता भी किया, कई यूनिवर्सिटी से बात की कि किसी लेवल पे मुशावरत की गई हो यूनिवर्सिटीज़ के साथ HEC की तरफ से, लेकिन जब मैंने पता किया तो ऐसी किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन इस टेस्ट के हवाले से HEC ने या उसकी जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल है उसने यूनिवर्सिटी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की और ये ऐड उन्होंने दे दिया। फिर मैंने जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के जो CEO हैं उनसे बात की और डॉक्टर इफ्तिखार से उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये टेस्ट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई है और ये लाजमी है कि नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम कंपटीशन बेस्ड पे ये एक हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, यानी लाजमी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मतलब आपने क्यों ये उसको क्लियर नहीं किया कि ये मैंडेटरी नहीं है, आपने ऐड में तो लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा जी ऐड में स्पेस की वजह से, जगह की वजह से हम ये नहीं लिख पाए। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐड में इतनी सी स्पेस ना हो कि जी ये टेस्ट लाजमी नहीं है, आप नहीं लिख सकते। तो ये बड़े किस्म के सवालात को जन्म दे रहा है ये जुमला ना लिखना और इस तरह एक मुबहम अंदाज से इसका लॉन्च होना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। खटक साहब, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी है ऐसी है जो HEC के इस एडमिशन टेस्ट को तस्लीम करेगी या इस पर अमल दरामद करेगी। जी राणा साहब, ये बड़ा एक जैसे कहते हैं ना, इसी वजह से जो अनरेस्ट है बच्चों में, जो एक बेचैनी है वो इसी वजह से कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी इसको करेंगी। अब ये एक अजीब व गरीब टाइम पीरियड है जिसमें HEC ने यह अनाउंस कर दिया है। अभी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, उसने अपना टेस्ट अनाउंस कर दिया है, एडमिशन अनाउंस कर दिए हैं, अपना टेस्ट शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है और वो खुद से टेस्ट ले रहे हैं। वो HEC का टेस्ट ये ले ही नहीं रहे अपने एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए। इसी तरह और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी एडमिशन अपने ऑफर कर रही हैं और उनके पास कोई ऐसा जैसे कहते हैं कोई मैकेनिज़म नहीं है कि वो HEC के टेस्ट को फॉलो करें, टाइम ही नहीं उनके पास। दूसरा ये है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ करेंगी तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा हर यूनिवर्सिटी पे कि क्या वो HEC के टेस्ट को अपनाना चाहेंगी कि नहीं करना चाहेंगी, यानी वो HEC के टेस्ट को अडॉप्ट करना चाहेंगी कि नहीं करना चाहेंगी। चूँकि मैंने आपको बताया कि HEC ने कहा है कि ये टेस्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब यूनिवर्सिटीज़ एक नए, जैसे मैं समझता हूँ कि एक नए अजाब से उनको गुजरना पड़ेगा कि वो अपने इश्तिहार में इसकी वजाहत करें और कि हमने ये HEC का टेस्ट लेना है कि नहीं लेना। अब मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल दे दूँ, वहाँ पर कल पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद साहब ने ट्वीट किया है कि जी ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से किसी ने गलत खबर एक सोशल मीडिया पर शेयर की कि वो HEC का टेस्ट ले रही है, उन्हें वजाहत करना पड़ेगी हम ये टेस्ट नहीं ले रहे, यानी अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है।
तो हकीकत भी ऐसे ही है, अभी बेशुमार मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, उन्होंने अपने फैसले खुद करने होते हैं, उन पर आप कोई चीज़ मुसलत नहीं कर सकते। तो जहाँ तक ये HEC के एंटी टेस्ट की बात है, वो होता ही है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी को कहेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उस पर इस इशू को रखा जाएगा, वहाँ से अप्रूवल ली जाएगी। उसका टाइम ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को अपनाए। इक्का दुक्का छोटी यूनिवर्सिटीज़ जिनको मैं समझता हूँ HEC प्रेशराइज कर ले, को डराए, वो HEC के इस जो एंटी टेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको फॉलो कर ले, उसको अडॉप्ट कर ले। नहीं तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि ये टेस्ट जो है HEC इसको कंडक्ट करने में कामयाब होगी। और आपको एक और बात बता दूँ कि इसकी HEC ने जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल है, जो HEC का जो इदारा है, 1200 रुपये फ़ीस रखी है। अब ये 1200 रुपया लाखों तलबा जब इसमें अपीयर हों, कन्फ्यूजन है, बच्चों ने दाखिले लेने हैं, बच्चे बेचारे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, कोविड की अलग सूरत हाल चल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि पैसे हथियाने का एक प्रोग्राम है HEC की तरफ से, तो ना चाहते हुए भी बेचारे लोग जमा कराएंगे 1200-1200 रुपया पर हेड। और आप अंदाज़ा करें कि जब लाखों बच्चे जमा कराएं तो 1200 के हिसाब से ये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए बन जाते हैं, और टेस्ट के निकात पे कितने पैसे लगते हैं, इसकी शफाफियत पर भी पूरे मैं कहता हूँ सवाल उठेंगे। और आने वाला वक्त जो है, ये मुझे लग रहा है कि अगर ये इन्होंने HEC ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो ये किसी एक बड़े स्कैंडल की तरह ये जो USET है यानी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट, ये उभर कर सामने आ सकता है। खटक साहब, पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी की बात तो आपने की, लेकिन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान भर में दीगर यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं कि वो इस पर क्या रिएक्ट करेंगी या वो इसके बारे में क्या सोच रही हैं? ये मैंने बताया ना कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, इन्होंने अपने फैसले खुद करने हैं, इन पर आप कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। छोटी यूनिवर्सिटी को डराया धमकाया जा सकता है कि आप ये टेस्ट अडॉप्ट करें, लेकिन ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको नहीं मानेंगी, टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जिस टाइम पर HEC ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है वो टाइम ही नहीं है, ना कोई कंसल्टेशन की गई है किसी यूनिवर्सिटी से, ना किसी यूनिवर्सिटी को मतलब ऑन बोर्ड लिया गया कि हम ये करने जा रहे हैं। अचानक बैठे बिठाए HEC ने एक शोशा छोड़ दिया और यूनिवर्सिटीज़ और तलबा सबको परेशान कर दिया। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की या और दीगर यूनिवर्सिटीज़ की, तो जहाँ तक मेरे मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है, कोई भी यूनिवर्सिटी ये टेस्ट अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, दूसरा हमसे मशावरत नहीं की गई, तीसरा कि वो बच्चों पर और उनके वालदैन पर कोई इजाफी जो फाइनेंशियल बर्डन है यानी जो बोझ है वो नहीं डालना चाहते। ऑलरेडी लोग परेशान हैं, कोविड की सूरत हाल भी जीव गरीब से टेस्ट हो सकते नहीं हो सकते। मैंने बताया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर टेस्ट का इनकार सिवाय इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, फार्मेसी के और लॉ के, ये रिवाज ही नहीं है। ये HEC ने पता नहीं कहाँ से बैठे बिठाए इनको ख्वाब आया है और उन्होंने ये जो है एंटी टेस्ट के इनकार का ऐलान कर दिया है। तो खटक साहब, आप जो बता रहे हैं इससे आपने तो नहीं कहा, लेकिन कैंपस कॉरिडोर तो महसूस करता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये गरीब तलबा से रकम लूटने की कोशिश कर रहा है HEC। तो हम अपनी राय तो इस पे रखते हैं, लोग इससे मुतफिक हों या ना। तो खटक साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी मालूमात से हमें मुस्तफ़ीद किया। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई आज के प्रोग्राम में आकर, और एक बहुत अहम इशू पर आपने ये प्रोग्राम किया, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तलबा के लिए ये वीडियो जो है वो बड़ी मददगार साबित होगी और वो अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको परेशानी के बगैर उसको जारी रखने में, मुकम्मल करने में ये वीडियो उनको मदद करेगी। बहुत शुक्रिया राणा साहब। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश पसंद आई होगी, और कैंपस कॉरिडोर से जुड़े रहिए और तालीम से जुड़ी हर अहम खबर, हर अहम दाविया हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपका आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।